हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला घंटा भी बजा दें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के होम पेज पर। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग मैं अपने दूसरे चैनल स्टूडेंट सपोर्टर पर बात कर चुका हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा EWS 10% आरक्षण का शासनादेश 10/12/2019 को जारी कर दिया गया है। अतः EWS शासन के अंतर्गत 3 नए केंद्र खुलने से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ अभ्यर्थियों को पहुँचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बढ़ी हुई सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी पुनः सीट लॉक कर लें, यानी पुनः चॉइस लॉक कर लें। कृपया दिनांक 12/12/19 से लेकर 15/12/2019 तक यदि चाहें तो चॉइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को जिसके लिए अभी तक ये डिले होता रहा, वो फाइनली नोटिफिकेशन मिल गया है। शासन ने आदेश दे दिया है और ये आदेश उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को 12 दिसंबर को मिल गया है। अब इसके EWS कोटा लागू हो गया है। इसके तहत क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 25% सीट बढ़ने की संभावना है। इनके अंतर्गत तीन नए कॉलेज खोले गए हैं। इसका फायदा स्टूडेंट को ही होगा, इसलिए जो स्टूडेंट अपना सीट लॉक करना चाहते हैं वो लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं और उन्हें चेंज नहीं करना है, क्या उन्हें भी दोबारा लॉक करना होगा? नहीं, जो स्टूडेंट लॉक कर चुके हैं अगर वो अपना चेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको कोई भी सीट लॉक दोबारा नहीं करना है। जो स्टूडेंट चेंजमेंट करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग लगातार कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, दूसरा कॉलेज लेना है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप चेंज कर सकते हैं। 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप बिल्कुल अपना सीट लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए है। और अब बात करते हैं कि जो 3 नए केंद्र खोले गए हैं उनमें जो सीटों की संख्या बढ़ी है, क्या केवल जनरल EWS कैटेगरी के लिए बढ़ी है या सारी कैटेगरी OBC जनरल PH SC ST सबके लिए बढ़ी है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन आया है वो सबके लिए है। जनरल EWS कैटेगरी के साथ साथ लगभग सभी कैटेगरी की सीटें बड़ी हैं। जनरल की कुछ कम बड़ी हैं, लेकिन और OBC SC ST की काफ़ी सीटें बढ़ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 3 नए कॉलेज खुले हैं और उनमें कौन कौन सी मान्यताएं मिली हैं और आप कैसे अपना सीट लॉक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।